वेलकम टू मोटर रिव्यूज। और आज जो हम डिस्कस करेंगे 2020 कावासाकी निंजा 300 BSX आपको जल्द देखने को मिलेगी इंडिया में। सारी डिटेल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाएगी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कावासाकी निंजा 300 BSX कहा जा रहा था कि इंडिया में नहीं लॉन्च हो गई और कंपनी ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया, बट मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं ये बाइक आपको इंडिया में जल्द देखने को मिलेगी। क्या कुछ चेंजेस आपको BSX के अंदर देखने को मिलेंगे, इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला है और ये बाइक लॉन्च कब होगा, जरूर आप इस रिव्यू को एंड तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाएगी। इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है, इंजन आपको 296 सीसी का मिल जाएगा। पावर जो ये जनरेट करता है बाइक, 38.4 BHP की पावर मिल जाएगी इसमें आपको। टॉर्क इसमें आपको 27 न्यूटन मीटर का रहेगा। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें आपको ट्विन सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6 स्पीड गियर देखने को मिलते हैं। सीट हाइट इस बाइक की 785 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें आपको 135 mm की देखने को मिलती है। वेट इस बाइक का 179 kg का वेट मिल जाएगा। फ्यूल टैंक इसमें आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। डिस्क का साइज आपको फ्रंट में 290 mm पेटल डिस्क देखने को मिलेगा। रेयर डिस्क का साइज आपको 220 mm पेटल डिस्क मिल जाएगा। टायर का साइज आपको फ्रंट में 110/70/17 inch का टायर देखने को मिलेगा। रेयर टायर आपको 140/70/17 inch का टायर मिल जाएगा। सस्पेंशन में आपको फ्रंट में 37 mm टेलीस्कोपिक फोक रहेंगे। रेयर सस्पेंशन में 5-way एडजस्टेबल प्रीलोड विद गैस चार्ज मोनोशॉक मिल जाएगा। तो कैसा परफॉर्म करता है ये बाइक, ये भी मैं आपको बता दूं। टॉप स्पीड ये बाइक जनरेट करेगा 191 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाएगी। एवरेज जो ये फ्यूल इकोनॉमी जनरेट करेगा 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी। तो फीचर्स क्या कुछ देखने को मिलेंगे इसमें, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ड्यूल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा इसमें। इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी लिक्विड कूल रहती है। तो BS6 के अंदर क्या कुछ चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। BS4 की जो पावर एंड टॉर्क थी वो आपको BS6 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। पावर और टॉर्क सेम रहने वाली है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। BS4 में इसमें जो हेडलाइट थी हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलती थी, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। BS4 में इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर देखने को मिलता था, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। BS4 में इसमें आपको वेट प्लेट मल्टी क्लच देखने को मिलता था, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको स्लिपर क्लच भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको BS6 के अंदर न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसका प्राइस कितना रहने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। BS4 में जो इसका प्राइस था 2,98,000, बट BS6 के अंदर इसका जो प्राइस है 20,000 रुपीज़ बढ़ जाएगा। तो अब आपको ये बाइक 3,18,000 का पड़ जाएगा। इसका इंडिया में लॉन्च कब होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके कुछ मंथ्स पहले एक पिक्चर लीक होती, कहा जा रहा था कि इस बाइक की टेस्टिंग चल रही है, तो इसके थोड़े से डिलेज बढ़ गए 2 to 3 months, बट ये बाइक आपको फेस्टिवल सीजन में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।